हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है सौरभ सर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं ये ब्यूटीफुल पेन स्केच, जिसे कि आपने देखा होगा किसी क्लासमेट नोटबुक के बैक कवर में इन जस्ट फ्यू स्टेप्स। और आज मैं आपको बताऊंगा मेरी पूरी पोर्ट्रेट ड्राइंग प्रोसेस और आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आप कोई भी पोर्ट्रेट को एक्यूरेटली बना सकते हैं, बहुत ही बस सिंपल थोड़े से सर्कल्स और लाइन से, कोई एक्यूरेट पोर्ट्रेट किसी की भी हो। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं काफ़ी सारे टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ एक पोर्ट्रेट को बनाने के लिए, लेकिन आज मैं जो टेक्निक आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी आसान है और कोई भी उसे यूज़ करके किसी की भी पोर्ट्रेट एकदम एक्यूरेटली बना सकता है कोई भी रेफरेंस फोटो को देखकर। तो शुरू करते हैं अपना ड्राइंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम अपने फेस का बेस बना लेते हैं एक सर्कल। एक सर्कल को मैंने यहाँ पर फ्री हैंडेडली ड्रॉ किया और काफ़ी डार्क ड्रॉ किया आपको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए। लेकिन क्योंकि ये हमारा बेस है और इसे बाद में हमें मिटाना है, आप काफ़ी इसे लाइट ड्रॉ कीजिएगा। पहला जो बेस सर्कल है वो कंप्लीट होने के बाद आप अपने फोटो या रेफरेंस से मेजरमेंट लेके अपने जो नीचे का एक छोटा सा सर्कल है वो बना लीजिए आपके चिन के बेस के लिए। फेस के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि एक बड़ा सर्कल बनाया और उसके नीचे एक काफ़ी छोटा सर्कल बनाया अपने चिन के बेस के लिए। तो उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमने बड़े जो सर्कल को बनाया था उसे हमें डिवाइड करना है टू इक्वल हाफ्स में, और टू इक्वल हाफ एक वर्टिकली तो दूसरा हॉरिजॉन्टली, जो कि एक पूरे सर्कल को चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देगा। जब हमारा पूरे चार क्वाड्रेंट्स डिवाइड हो चुका है हमारे सर्कल का, उसके बाद हम अपने आई और बाकी सारे फीचर्स के मार्किंग को देने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले हम अपने जो रेफरेंस फोटो है उसमें मेजरमेंट लेके हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं आई की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने रेफरेंस फ़ोटो से मेजर करके सबसे पहले अपने आई के जो राइट आई है उसके लिए मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फ्री हैंडेड ड्रॉ करना बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्केल लेके आई की तो दोनों एजेस है राइट आई की, उसको मैंने मेजर करके अपने जो सर्कल है उस पर हमने बना लिया। उसके बाद जो आई है दोनों साइड में इक्वल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक फ्रंट पोज है, दोनों आई की मेजरमेंट्स इक्वल होंगी। तो मैंने पहले आई की मेजरमेंट्स लेके ही दूसरे आई की पोजिशन को थोड़ा सा पता करके सेम मेजरमेंट की आई बनाई। तो जबकि हमारे आई की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस और मार्किंग्स रेडी है, उसके बाद आता है हमारे आई का जो विड्थ है, तो उसे भी हमने अपने रेफरेंस फोटो से मेजर करके हमने बेस जो मिडिल लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन था, उसके ऊपर, उसके ठीक ऊपर हमने जो विड्थ मेजर करके एक मार्क बनाया और उसे थ्रू आउट द सर्कल हमने खींच दिया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड आई है वो ऑलमोस्ट एक सेम बराबर पे रहेगा, बस जो लेफ्ट आई है हमारा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि फेस राउंडेड होता है और राउंडनेस के साथ आई थोड़ा सा नीचे दिखने लगता है हमें। उसके बाद आपने जितना आई का डिस्टेंस लिया वही डिस्टेंस का डबल डिस्टेंस आप लेके उसी लाइन के ऊपर आप बना दीजिए एक मार्क और उसे भी पूरे थ्रू आउट द सर्कल आप खींच लीजिए और वो बन जाएगी हमारे आईब्रो के लिए एक मार्किंग। ये मार्क यहाँ पर तो बिल्कुल डबल आई डिस्टेंस है, लेकिन आपके रेफरेंस में वो डिफरेंट हो सकती है या किसी और डिफरेंट फोटो में वो डिफरेंट हो सकती है, तो उसे भी आप पेंसिल से या स्केल से मेजर करके दे सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि मैंने यहाँ पर पेंसिल का यूज़ करके मेजरमेंट्स दिया है और स्केल से लाइंस खींचे हैं। आपको कभी इतने बड़े लाइंस नहीं खींचने हैं, मैंने यहाँ पर खींचा है ताकि आप पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक देख पाए और समझ पाए, क्योंकि अगर आप इतने सारे लाइंस बनाएंगे इतने डार्कली और पूरे पेज में तो आपका ड्राइंग बहुत ही गंदा दिखेगा जब आप मिटाएंगे उसके बाद भी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो लाइंस रह ही जाती है। तो हमारे आई की मार्किंग के बाद अभी आता है हमारा लिप्स का पार्ट, लिप्स और नोज़। तो
हमने क्या किया कि अपने जो नीचे वाला सर्कल था, छोटा सर्कल, उसके ठीक ऊपर हमने मार्किंग लेके अपने लिप्स के लिए एक लाइन खींच लिया है थ्रू आउट द सर्कल, और वो वही हमारे नोज का भी पोजीशन देने में हेल्प करेगा हमें। आप देख रहे होंगे कि एक जो लाइन है मैंने वो एकदम जो छोटे सर्कल को है टच करके खींची है, और उसके ठीक ऊपर थोड़ी सी डिस्टेंस पे मैंने अपने नोज के लिए एक लाइन खींची है, तो वो मैंने अपने रेफरेंस से मेजर करके खींची है। आप भी अपने रेफरेंस से मेजर करके खींचेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जो लेफ्ट आई है उसके जो मिडिल से एक लाइन पास होती है, वो नीचे जाके हमारे जो ऊपर की लाइन थी, जो नोज की लाइन थी, उससे इंटरसेक्ट हो रही है। तो उस जगह पर हमारा जो नोज का टॉप होगा वो पार्ट आएगा, और वो हम ये जो पूरे एक बॉक्स बन रहा है ये हमारे नोज को दिखाने में हेल्प करेगा। उसके बाद देख रहे हैं आप कि मैं एंगुलर लाइन से हमारे जो लिप्स का एक जो बेसिक शेप है वो बना ले रहा हूँ, ताकि हमारे लिप्स का हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाए, और उसके बाद हम बाकी प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। अब क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट का जो प्रोसेस था पूरा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हमने सारा जो फेस है उसको एक एंगुलर लाइंस यूज करके पूरा फेस का स्ट्रक्चर बना लेना है। एंगुलर लाइंस ही क्यों? क्योंकि हम किसी भी कर्व को अगर डायरेक्टली एक कर्व बनाने जाए तो वो कभी अच्छा कर्व या एक्यूरेट कर्व वो कभी आ नहीं पाता। अगर हम उसी कर्व को थोड़ा सा एंगल मेजर करके अपने एंगुलर लाइन से बनाए और बाद में उसे अच्छे से कर्व कर दे, तो हमें एक परफेक्ट कर्व मिल सकता है। तो क्योंकि फेस में ज़्यादातर कर्व्स ही होते हैं, तो हम यही टेक्निक का यूज़ करके अपने पूरे फेस के जो बाकी फीचर्स उसको हम बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पूरे फेस की एक आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम हमारे जो मेजरमेंट्स लिए थे आई के, उसको यूज़ करके हम अपने आई को एक करेक्ट प्लेस पे हम प्लेस कर सकते हैं, और इसके बाद हमारा आई और अपने पूरा फेस एक अच्छा सा पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा हमारे बाकी ड्राइंग के लिए। और हमारा जो बॉक्स था जो हमने देखा था उसको यूज़ करके हमने अपना नोज़ भी काफ़ी एक्यूरेटली एक करेक्ट पोजीशन पे बना लिया। ये सब होने के बाद हमारे जो मेजरमेंट लाइंस थे उसकी उतनी ज़रूरत अभी नहीं है, तो हमने क्या किया, सारे मेजरमेंट लाइंस को एक इरेजर की मदद से मिटा दिया, और अपने लिप्स पे हमने और ज़्यादा डिटेल्स डाल दिए, और जो आईब्रोज थे उसको भी हमने थोड़ा बहुत और रिफाइन कर दिया। ज़्यादा रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब अब हम पेन से करेंगे, क्योंकि ये पेन का स्केच है, लेकिन अगर ये कोई पेंसिल का स्केच होता तो आप और ज़्यादा इसे रिफाइन कर सकते थे। तो क्योंकि हमारा बेस अभी रेडी हो चुका है अपने फेस का और लाइकनेस आ चुकी है हमारे फेस में, तो अभी काम है हमारा कि हम छोटे छोटे डिटेल्स जो है और हेयर और जो फ्लावर्स है उसको अच्छे से अपने फेस पे मार्क कर दे। तो धीरे धीरे हमने अपने रेफरेंस को देख के थोड़ी बहुत और मेजरमेंट्स लेके हमने बाकी जो फीचर्स है फेस की सब पहले पेंसिल से एक ड्रॉ कर लिया। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी पूरी ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, हमारा जो फेस है वो एक्यूरेट आ चुका है ऑलमोस्ट। बाकी जो एक्यूरेसी लानी है वो हमें शेडिंग से लानी है, और वो शेडिंग हम करेंगे पेन से, और क्योंकि हम इसे पेन से करेंगे तो पेंसिल की लाइन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज के लिए काफ़ी डार्क बना दी है लाइन्स, और इसे अगर मैं पेन से करूँ तो काफ़ी गंदा दिखेगा जब मैं इसे मिटाऊँगा या कहीं और यूज़ करूँगा। तो उससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ, एक और क्लीनली और लाइटली एक और ड्राइंग बना लेता हूँ, और उसके बाद हम इसे पेन से शेड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना एक बहुत ही लाइटली एक और ड्राइंग बना ली है, और उसके बाद हम आते हैं पेन की शेडिंग पे। शेडिंग के लिए हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं एक बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि जेल पेन से ये इतने लाइटली शेड्स नहीं हो पाएंगे और उतने रियलिस्टिक ये नहीं दिख पाएगा, तो उससे अच्छा है हम यूज़ करते हैं एक बॉल पॉइंट पेन। तो जैसा कि मेरे पास रेफरेंस है एक शेडिंग की और उसको देख के मुझे बस कॉपी करना है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है शेडिंग के लिए। सबसे पहले मैंने शुरू किया आईज से, उसके बाद मैंने बाकी जो फेस की पार्ट्स है, नोज़ और जो साइड की चीक्स है उसको उसके लिए जगह छोड़कर बाकी पार्ट्स में मैंने
अच्छे से शेडिंग कर दी पेन से। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आप बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर रहे हैं वो ब्लॉट करती है और उसके जो निब है उसके ऊपर एक इंक जम जाता है और बाद में वो आपके ड्राइंग को ख़राब कर सकता है। तो एक टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा उसे पोंछने के लिए। तो उसी तरह से धीरे धीरे हम शेडिंग करते गए और अपने ड्राइंग को अच्छे से बनाते गए। अपने फेस के कंप्लीट होने के बाद हमने हेयर पे गया और अच्छे से अपने हेयर के जो स्वर्ल्स है और जो कर्व्स है उसे अच्छे से बनाया। और धीरे धीरे ऐसे करते करते फेस को हमने पूरी अच्छी तरह से शेड कर दिया, जैसा कि हमारे रेफरेंस में है। मैंने यहाँ पर पेन से शेड किया। आपको अगर पेन से उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो तो आप पेंसिल से भी शेड कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपके पास एक कंट्रोल रहेगा अपने हाथ का। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमने सब कुछ बना लिया, फूल पत्ते जो भी थे उसके सिर पर, वो सब बनाने के बाद हमारा ड्राइंग अभी हो चुका है कम्प्लीट। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको दिखाया मेरा कंप्लीट पोर्ट्रेट पेंटिंग प्रोसेस, और आज की इस प्रोसेस को अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी पोर्ट्रेट ड्राइंग या किसी भी रेफरेंस से आप कॉपी करने के लिए कोई भी पोर्ट्रेट, तो ये काफ़ी आसान होता है और कोई भी इसको यूज़ करके बहुत ही एक्यूरेट फोटोज़ बना सकते हैं। लेकिन ये बस अकेला एक तरीका नहीं, इससे भी काफ़ी अच्छे और इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिसमें आपको इतनी मेजरमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उसमें आपको स्किल फैक्टर बहुत चाहिए होगा। लेकिन कोई भी अगर आपको एक्यूरेट बनानी है फोटो से देखकर, तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों अगर आप ये सेम पोर्ट्रेट बनाते हैं मेरे टेक्निक को यूज़ करके, या तो किसी और पोर्ट्रेट को भी बनाते हैं सेम टेक्निक को यूज़ करके, तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिएगा @saurabh4814 पे, या तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों आपको कैसी लगी आज की वीडियो ये भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें। और अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी, ये पोर्ट्रेट स्केच अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर बुरा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए। लेकिन हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये क्यों बुरा लगा, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसे और सुधार पाए। और अगर आपको ऐसी और अच्छी ट्यूटोरियल वीडियोस, पेंटिंग्स, स्केचेस, ऑयल पेंटिंग्स, वाटर कलर पेंटिंग्स देखनी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम रोज़ ऐसा एक पेंटिंग बनाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड बाय।